All right. Yeah, so y'all can take it ahead and then all can in, you can introduce Sharon afterwards. All right. Thank you. Dhanima. Requesting Pastor James again. Thank you so much. Good afternoon, everyone. शुभ दोपहर सभी को बिफोर वी स्टार्ट आई वी कैन गेट द स्लाइड्स ऑन शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ स्लाइड्स है दिखाने यस सो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस वंडरफुल मिशनरी और मैं इस अद्भुत मिशनरी के बारे में बताने वाला हूं एंड एनी गेसेस हु दिस मिशनरी इज क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कौन है यस एंड ही वाज आल्सो नोन एज अ मिशनरी विद ब्लीडिंग फीट और इन इन्हें जो है ऐसा भी कहा जाता था इनके बारे में कि ये पैरों से खून बहने वाले मिशनरी हैं राइट एंड आई थिंक वी सो सो द नेक्स्ट 20 टू 30 मिनट्स वी विल बी जर्निंग थ्रू हिज़ लाइफ और अगले 20 से 30 मिनट में हम उनकी जीवन यात्रा से सफ़र करेंगे राइट एंड कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड सो आई विल जस्ट बी टॉकिंग अबाउट हिज अर्ली डेज और मैं उनके शुरुआती दिनों के बारे में बताऊंगा बताऊँगा सो साधु सुंदर सिंह वॉज बॉर्न इन 1989. और साधु सुंदर सिंह जो है उनका जन्म 1990 में हुआ Into a wealthy family in the village of Rampur, Ludhiana. और जो लुधियाना की जो रामपुर का जो गांव है वहाँ पर एक धनवान परिवार में उनका जन्म हुआ And at a early age, he was exposed to many religions. और बहुत ही कम उम्र में ही उसको उसके सामने अलग अलग धर्मों की बात रखी गई since he was born into a Sikh family, और क्योंकि क्योंकि उसका जन्म सिख परिवार में हुआ, he was a devout Sikh. और बहुत ही वो भक्ति रखने वाला सिख था. And he used to spend a lot of time in the Gurudwara. और वो ज़्यादा समय जो है गुरुद्वारा में बिताया करता था. And um, uh, at an early age, his mother used to also take him. Uh, to to the to sit with a with a Hindu sadhu who used to sit uh, stay in the forest. और वो शुरुआती शुरु कम उम्र में ही उसकी मां जो है उन्हें ले जाती थी जंगल में एक हिंदू साधु के पास उससे सुनने के लिए दिस वे यू वॉज एक्सपोज टू द हिंदू रिलीजन और इसके द्वारा उसे हिंदू धर्म के बारे में भी जानकारी मिले And at an early age, he also learned the Bhagavad Gita. और जो है उसकी शुरुआत की उम्र में उसने भगवत गीता को भी सीखा He was also exposed to the to Christianity as he was uh, sent to a missionary school और उसे मसीहत के बारे में भी जानकारी मिली क्योंकि उसे एक मिशनरी स्कूल में डाला गया था बाई द नेम ऑफ यूंग क्रिश्चियन हाई स्कूल लुधियाना और वे नाम था यूंग क्रिश्चियन हाई स्कूल लुधियाना में वन ऑफ द मेन रीजन वॉज टू लर्न इंग्लिश और एक खास कारण जिसके लिए स्कूल में डाला गया अंग्रेजी सीखने के लिए

वॉज वेरी डिवर्सेड एंड अपसेट और इससे रिले टूट गया और नाराज हो गया था दिस क्राइसिस इन सर्च ऑफ पर्पिस एंड द ट्रूथ और इस घटना के कारण उसकी एक, एक खोज शुरू हो गई की उद्देश्य क्या है जीवन का और सत्य क्या है सिंस ही वॉज एक्सपोज टू द टीचिंग्स ऑफ जीजस फ्रॉम स्कूल और, और स्कूल के द्वारा उसे यीशु के शिक्षण के बारे में कुछ जानकारी मिली थी ही न्यू दैट जीजस लव जीजस डाइट फॉर हिम एंड गॉड हैड अ पर्पज फॉर हिम और वो जानता था कि यीशु उससे प्रेम करते थे और यीशु ने उसके लिए मृत्यु सही थी और परमेश्वर के पास उसके लिए योजना है बट ही बिकॉज ऑफ स्टेट ऑफ पेन एंड एंग्विश ही डिन नॉट बिलीव इट और उसके दर्द भरे उस अवस्था में वो विश्वास नहीं कर पा रहा था

और सुंदर सिंह और भी बेचैन हो गया था बिकॉज ऑफ क्योंकि इतर धर्म में भी जो सिख धर्म है या हिंदू धर्म ने उसके सवालों का उसे जवाब नहीं दिया एंड दिस इज अर्ली लाइफ और ये उसकी शुरुआत जीवन का भाग है नाउ विल बी गोइंग इनटू द ट्रांसफॉर्मेशन अभी हम जाएंगे उसके परिवर्तन होने के भाग में Yes. And in 1903. और 1903 की सदी में. On a cold winter's night. और एक ठंड भरी रात में. Sundar Singh decided to commit suicide. Sundar Singh ने तय किया कि वो खुद खुशी कर लेगा. And he would do this by throwing himself on the railway track. और वो इसे ऐसा करेगा कि वो अपने आप को जो है रेलवे की पटरी पर डाल देगा. Uh, of the Ludhiana Express, which used to pass by his home, और जो लुधियाना एक्सप्रेस उन दिनों में उसके करीब घर के करीब से गुजरता था दैट वेरी नाइट ही प्रेड फॉर सेवरल आवर्स और उस रात में उसने कई घंटों के लिए प्रार्थना की ब्लीडिंग टू गॉड परमेश्वर से विनती करते हुए ओ गॉड इफ देयर इज अ गॉड शो रिवील योरसेल्फ टू मी टुनाइट ओ परमेश्वर यदि परमेश्वर है तो आज रात तू मेरे सामने खुद को प्रकट कर बिफोर डॉन नेक्स्ट मॉर्निंग और अगले दिन सुबह अगली सुबह जो है अंधेरा खुलने से पहले As the train आ गया था कि उसका कमरा जो है ऐसे प्रकाश से भर गया जो कभी उसने अनुभव नहीं किया था एंड और जो प्रकाश जो है जो रोशनी बढ़ती जा रही थी बढ़ती जाने लगी सडनली ये सॉफ्टिगर और अचानक उसे एक स्वरूप दिखा

और इस समय में उसने उस उस स्वरूप के हाथों को भी देखा और उन हाथों में छेद जैसे कि की गए उनमें point, और इस शन में उसने जान लिया कि ये जो स्वरूप दिख रहा है और अदर गॉड्स और उसने इतर देवी देवताओं या हिंदू धर्म के देवी देवताओं की भी अपेक्षा की थी बट इट वॉज जीजस लेकिन उसमें वो यीशु था

और परिवार के इतर सदस्यों के पास भी ये खबर पहुंच चुकी थी also, also और उसके भाई भी उससे बहुत ही गुस्से क्रोधित हो गए थे द नेक्स्ट डे आफ्टर दिनर और अगले and, दिन जो विदाई के भोजन के बाद में अगले दिन ही uh, और उसे ये जाना कि खाना के कारण जो है, उसके पेट में गड़बड़ी हो गई बीमारी हो गई है और उसे उसका ये ऐसा माना जाता है कि उसके भाइयों ने जहर मिला दिया था खाना में uh, जबकि उसे बेदखल कर दिया गया था nearby, और एक करीब के एक मसीह समुदाय ने उसे स्वीकार लिया था लाइफ और उसके जीवन को उसे जान बचाई

और वो जो है एक तरह एक से नारंगी जो है आ, केसर रंग का वो वस्त्र पहनता और जो केसर रंग का जो जो पूरा उसका पोशाक उस तरह से होता था एंड ही आल्सो लिव्ड ऑन द चैरिटी ऑफ अदर्स और इतर लोगों के जो दया करते हुए कुछ जो कुछ देते थे उसके ऊपर वो अपना जीवन गुजारा करता था his और उसने जो भी कुछ उसकी जो संपत्ति उसने सब कुछ छोड़ दिया। And और वो अविवाहित रहा um, uh, सुंदर बिलीव्ड। सुंदर का ये मानना था इंडियंस कुड नॉट बी कन्वर्टेड कि जो जो भारतीय है वे मसीह नहीं बन सकते हैं अनलैस इट इज इंडियन वे जब तक कि हम इसे मसीही भारतीय तरीकों का ना अपनाएं साधु साधु बनना चाहता था परंतु मसीही साधु बनना चाहता था 1909। और 1909 में ही ट्रेनिंग इन Christian मिनिस्ट्री और उसने मसीही सेवकाई में प्रशिक्षण लेना ट्रेनिंग लेना शुरू किया एट Anglican कॉलेज इन लाहौर और लाहौर की जो एंग्लिकन कॉलेज है वहाँ पर

और एक जो वहाँ का नियम यह था कि उन्होंने जो यूरोपीय देश का जो है सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहिए एंड ही हैड टू सिंग इंग्लिश हिम्स और उन्हें अंग्रेजी प्रभु के गीत गाने थे ही बिलीव दिस वाज रॉन्ग और उसका ये मानना था कि यह गलत है एंड ही रिजेक्टेड इट बिकॉज ही बिलीव दे वर मिक्सिंग जीसस क्राइस्ट एंड द ब्रिटिश कल्चर और क्योंकि उसने इसे ठुकरा दिया क्योंकि उसका मानना था कि वे लोग जो है जो ब्रिटिश संस्कृति वो भारतीय संस्कृति के अंदर वे मिलावट कर रहे हैं एंड फ्रॉम नाइनटीन टवेल्व टू नाइनटीन ट्वेंटी टू और उन्नीस सौ बारह से लेकर उन्नीस सौ चौबीस तक ही ट्रेवल द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया उन्होंने भारत की जो है लंबाई और चौड़ाई में सफ़र किया नॉट ओनली इंडिया बट ही का वैट मलेशिया जापान चाइना और भारत ही नहीं परंतु उसने जो है टिबेट मलेशिया और चीन इन सब जगहों पर भी गए ऑल्सो टूवर्ड श्रीलंका यूरोप मिडिल और श्रीलंका यूरोप और मध्य पूर्व भाग जो है विश्व का और अमेरिका में भी गए और वे वरदानित प्रचारक थे बहुत सारे लोग आते थे और बैठ कर समय बिताते उन्हें सुनते हुए

और फिर लौट कर आए एंड फ्रॉम 1925 टू 1927 1925 से लेके 1927 तक ही रोट ही स्पेंट हिज टाइम राइटिंग बुक्स उन्होंने किताबें लिखने में समय बिताया ही रोटा टोटल ऑफ 8 बुक्स उन्होंने आठ किताबें लिखी एंड इन 1927 और 1927 में ही ही सेट्स आउट फॉर तिब्बत अगेन वो फिर से वे तिब्बत की ओर लौटे बट ही रिटर्न्स बिकॉज़ ऑफ एन इलनेस लेकिन इस बार जब वो लौट कर आते हैं वो एक बीमारी के कारण होता है साधु सुंदर सिंह मेक्स इज लास्ट एंड फाइनल टू रीच डिबेट और साधु सुंदर सिंह जो है उनका अंतिम आखिरी प्रयास करते हैं टिबेट पहुंचने के लिए एंड आर गॉन विद्यू ट्रेडर्स और साथ में कुछ व्यवसाय करने वाले व्यापारियों के साथ गए थे और ऐसा माना जाता है कि वो बद्रीनाथ की जो पहाड़ी वहां से गुजर के सिविलाइजेशन uh, और उसके बाद में uh, मानो लोगों के साथ में उनका संपर्क टूट गया he returned from this trip. वे इस इस सफर इस यात्रा से कभी लौटे ही नहीं उनके जो मित्र थे उनके जो शिष्य थे, वे उन्हें ढूंढने की कोशिश किए बट नॉट बॉडी लेकिन उन्हें उनकी लाश, शरीर नहीं और आज तक कोई नहीं जानता है कि उनके साथ क्या हुआ वहाँ पर Forty five years लेटर 45 वर्ष बाद 1972. 1972 में Evangelical एसोसिएशन was फाउंड और साधु सुंदर सिंह इवेंजलिकल जो एसोसिएशन है इसकी स्थापना हुई दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएशन इज स्टिल इन्वॉल्व इन द वर्क इन द वर्क ऑफ स्प्रेडिंग द गॉस्पल ऑफ जी और ये जो संस्था है ये जो संगठन है आज भी यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रचार करने के काम में लगी हुई है दिस वॉज द लाइफ ऑफ साधु सुंदर सिंह और ये है ये था साधु सुंदर सिंह का जीवन एंड

कि वो बिना पैर में कुछ न पहने हुए नंगे पैर चल चला करता था ट्रेवल सो मैनी कंट्रीज और वो इतने सारे देशों में उसने यात्रा करते गया फीट

एंड साधु सुंदर सिंह रेप्रेजेंटेड क्राइस्ट वेरी वेल इन द इंडियन कॉन्टेक्स और जो साधु सुंदर सिंह ने जो भारतीय संस्कृति में मसीहत का प्रतिनिधित्व बहुत ही अच्छी रीति से किया बाई लिविंग इन as an Indian sadhu. और एक भारतीय साधु बनकर जीवन जीने के द्वारा उन्होंने अपने भाषा को नहीं बदला। his clothes. उन्होंने अपने कपड़े नहीं बदले एंड ही made इट क्लियर दैट Christianity was नॉट imported. और उन्होंने बड़ी साफ रीति से दर्शाया कि जो मसीहत है वो बाहर देश से नहीं आया हुआ है एंड थिंग दैट आई वांटेड टू ऐड वाज व्हेन यू वॉक इन गॉड्स कॉलिंग और एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूँ ये कि जब आप परमेश्वर के बुलावे में रहकर चलते हो गॉड तो परमेश्वर आपको आशीषित करता है, पर, परमेश्वर आपको वो ताकत वो शक्ति देता है गॉड गिव ग्रेस परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है एंड थ्रू सुंदर सिंह और साधु सुंदर सिंह के जीवन के द्वारा वी नो दी है

और वो उसकीड़ी के ऊपर अपनी खुशबू को छोड़ देता है जो उसे काटने आ रहा है विदाउट डूइंग एनी हार्म इन रिटर्न और बदले में कोई नुकसान न पहुंचाते हुए सो लाइक दिस उसी तरह से इफ एनी वन हर्ट

गुड आफ्टरनून एवरीवन शुभ दोपहर सभी को Okay, those who are Glad to be here in this mission, stand up and say yes जो लोग इस मिशन में आने के लिए खुश हैं तो खड़े होकर कहे हाँ। प्रेस द लॉर्ड ओके सिट डाउन प्रभु की स्तुति हो कृपया बैठ जाएं सो टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट एमी कार और आज मैं आपके साथ बांटने वाली हूँ एमी कार्माइकल के बारे में

She was born on 16 December 1867. और उसका जन्म जो है 16 दिसंबर 1867 में हुआ इन नॉर्दर्न आयलैंड और हम देखते हैं आयरलैंड के जो uh, उत्तरी भाग में उसके माता पिता जो थे वे मसीही थे बहुत ही सच्चे मसीही थे और उन्होंने उसे यीशु से प्रेम करना सिखाया इन 1883 एटी थ्री

और पैसों की कुछ कमी और कठिनाइयों के कारण परिवार को बेलफास्ट जगह में जाना पड़ा इवन दन डे आफ्टर संडे सर्विस एमी एंड ब्रदर्स वर गोइंग एंड दे सॉ दिस ओल्ड लेडी कैरिंग बर्डन और उस समय में भी एक सभा के बाद में कलीसा सभा के बाद में एमी और उसके भाइयों ने एक एक बूढ़ी व्यक्ति को देखा महिला को एक बोझ उठाकर चल रही थी

और जैसे ही वहां से चलकर जा रहे थे करीब का जो फवारा था वहाँ पर कुछ नाम कुरेद कर लिखे लिखे हुए थे और जो शब्द जो लिखे गए थे वो थे पहले कोरिंथियों का तीसरा अध्याय बारा से तेरा वचन silver jewels wood ऑन फाउंडेशन straw. और कोई भी जो है उस बुनियाद पर निर्माण करेगा वो अलग अलग सामग्री का इस्तेमाल करते हुए सोना चांदी या मोतिया लकड़ी या घास और और सुखी घास बिल्डर एनी वैल्यू परंतु न्याय के दिन पर जो है वो अग्नि जो है प्रकट करेगी हरे के काम को कि उसने किस तरह से निर्माण काम किया है और अग्नि दिखाएगा कि जिस व्यक्ति ने जो काम किया है उसका क्या मोल है एंड शी न्यू दैट वर्ड्स वर गॉड स्पीकिंग टू हर और वो जान गई कि ये शब्द परमेश्वर उससे बात कर रहा था शब्दों के द्वारा so तो वो गई और प्रार्थना करने लगी एंड शी पर्प इन टू फॉलो जीजस और अपने हृदय में उसने ये ठान लिया उद्देश्य रखा कि यीशु के पीछे चलती रहेगी कि वो जो है संसार के लिए मर जाएगी संसार के सभी जो तौर तरीके हैं और परंपराएं उसके लिए एंड एमी वाज समवन हु हैड एन आई फॉर ब्यूटी एंड इट वाज नो स्मॉल सैक्रिफाइस और एम एक ऐसी थी सुंदरता के विषय में काफी उसका आकर्षण था और इसे छोड़ना इस ये बड़ी ये छोटी छोटा बलिदान नहीं था एंड दिस हर जर्नी टू टूल और ये उसकी यात्रा थी कि सच्चे शिष्यत्व में कैसे आगे बढ़ना है वो जाकर लोग जाकर बच्चों से जा, लोगों से जाकर मिलने लगी बच्चों को सिखाने लगी और जो Belfast सिटी मिशन के साथ में मिलकर वहाँ की जो है झुग्गी झोपड़ी में जाकर मिलने लगी लोगों से

लेकिन सबके द्वारा उनका स्वागत नहीं होता था सो शी डिसाइडेड टू परचेस अ बिल्डिंग तो उसने ठान लिया कि वो एक इमारत खरीद लेगी as a 22 year old if you were 22 year old can you imagine build like buying a like purchasing a building और 22 साल की उम्र में यदि हम में से कोई 22 साल का उम्र है के उम्र के है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इमारत खरीदी करने की सोच

एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू ओबे और जो कीमत उसे काफी बड़ा चुकाना पड़ा था लेकिन वो जानती थी कि परमेश्वर की इच्छा थी और परमेश्वर को की इच्छा को पूरा करना उसका हृदय था एंडियस और उसने कहा यशु मसीह के लिए कोई भी बात ज्यादा कीमती नहीं है और लगभग 1888 की सदी में जो कार का परिवार है उन्हें बड़े मंदी का सामना करना पड़ा सब कुछ उनके उनके जीवन से निकल गया बट अगेन एमी वर्क अमॉन्ग द पीपल ऑफ स्लम और फिर से आ, एमी जो है मैनचेस्टर में लौटने के बाद वहाँ पर वो झुकी झोपड़े में काम करने लगी

पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बाप्टिस्ट दो सभी बातें मानना सिखाओ एंड शी हर्ड फ्रॉम हरसन टेलर कन्वेंशन एंड अगेन मिशन वर्क और उन्होंने जो है एक सम्मेलन में हरसन टेलर से उन्होंने कुछ शब्द सुने और फिर से उसके लिए जो मिशन के लिए जो बुलावा था उस बात को और पक्का कर दिया शी सेंस द लॉर्ड कॉलिंग foreign टू सर्व एज set मिशनरी सो शी China. और उसे महसूस हुआ कि प्रभु उसे जो है एक परदेश में जाकर मिशनरी का काम करने के लिए बुला रहे तो उसने अपनी नज़रों को चीन पर लगाया शी अप्लाइड टू चाइना इन मिशन एंड लिव्ड इन लंदन एट टाइम फॉर ट्रेनिंग और उसने जो है चीन की जो इन मिशन जो है उसमें वो अर्जी दी और उस समय उस वक्त वो लंदन में रहा करती थी

Or that kind of work. और वो जो है नाव के सफर में को लेते हुए चीन में जाने के लिए बहुत ही उत्सुक थी परंतु उसके शरीर में किसी बीमारी के कारण नहीं जा पाए क्योंकि ऐसा कहा गया कि तुम इस तरह का काम करने के लिए योग्य नहीं हो बीमारी के कारण a, a ill, और एमी की समस्या होती थी क्योंकि वो बार बार बीमार पड़ती थी ट एंड शी लेटर डिसाइडेड टू ज्वाइन द चर्च मिशनरी सोसाइटी और फिर उसने उस 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 उद्देश्य को नीचे रख दिया और फिर आगे वो जो कलिसिया के मिशनरी सोसाइटी में अपने आप में खुद को जोड़ ली एंड made गॉड मेड अ वे बिकॉज शी to Japan फॉर 15 months। और फिर परमेश्वर ने रास्ता खोला और पंद्रह महीने के लिए उन्हें जापान भेजा गया

So she was commissioned again later by the Church of England जनिना Mission. और एक बार फिर से जो है उसे एक और जो है पहचान दी गई जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड जेना जनीना मिशन के द्वारा एंड आफ्टर ब्रीफ टाइम इन श्रीलंका शी वेंट टू बैंगलॉ इंडिया फॉर हेल्थ और जो है श्रीलंका में कुछ समय बिताने के बाद में वो भारत में बेंगलोर के बेंगलोर में आई अपने सेहत के कारण

So used to refer to them as the और जो वहां पर लोग उनके बारे में यह कहते थे कि वे है एक, एक और कि ये जो तारों का झुंड हो तारों का झुंड जो है उन्हें इस नाम से पहचाना जाता था रीजन वॉज देंट इन ग्रुप एंड दे ग्लोरी ऑफ गॉड और वो इसलिए था एक समूह में झुंड बनकर जाते थे और उनके चेहरे परमेश्वर की महिमा की चमक दिखाई देतीम और पहली बार जब लोगों ने उनसे ये नाम करके उन्हें बुलाया तो एमी ने सुनकर थोड़ी हंसी लेकिन फिर उसे दानियल का याद आया दोज हुआ शाइन लाइक द ब्राइटनेस ऑफ दाई अबाव एंड दो टर्न मैनी टू राइसनेस लाइक स्टार्स फॉर एवर एंड एवर और वचन कहता है कि जो जो लोग बुद्धिमान हैं वो लोग चमकते रहेंगे आसमान में जो ऊपर प्रकाशमान होकर और जो लोग बहुतों को जो धार्मिकता की ओर ले आएंगे वे लोग तारे के समान रहेंगे हर दम के लिए हमेशा के लिए

यू नो सेवन चिल्ड्रेन बिकॉज ऑफ दैट और मुझे लगता है कि जैसे सात बच्चों में सबसे बड़ी थी और जो माँ का हृदय इसी के कारण आया होगा So one day in 1901, Lord mysteriously brought a seven-year-old Prina to uh, Amy ka michael और एक दिन 1901 की सदी में देखते हैं कि प्रभु ने बड़ी रहस्यमय रूप से कारमाइकल के जीवन में एक बच्ची को आया जिसका नाम था प्रीना एंड दैट ओपन एमीज आइज टू द रियलिटीज ऑफ और इसके द्वारा की कान के आंखें खुल गए इस बात की ओर कि किस तरह उन समय में जो है बच्चों को हिंदू मंदिरों में भेजा जाता था काम करने के लिए सेवा करने के लिए और बच्चों को वहाँ पर मंदिरों में सिर्फ अर्पित कर दिया जाता था छोड़ दिया जाता था और माता पिता उन्हें उनसे अलग हो जाते हैं एंड The Lord continued to expand Amy's family by bringing her more of these temple children. और परमेश्वर जो है एमी के परिवार को बढ़ा करना जारी रखे थे कि ये जो मंदिरों में से बच्चों को लाना जारी रखे रखते हुए इवेंचुअली Fellowship. और अंत में उसने एक बड़ी एक, एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम है डोनावर मिशन lived, learned, और जहाँ पर एक परिवार जो है एक साथ मिलकर रहना सीखते थे और एक साथ मिलकर आराधना करना सीखते थे In 1912, Queen Mary recognized the missionary work and helped fund a hospital at Donauwer. और 1912 में जो है रानी मैरी जो उसने इस मिशनरी कार्य को पहचाना और मदद की कि जहाँ पर और पैसे की आपूर्ति की जिससे कि

और जिन लोगों से मुलाकात करती वो उन्हें प्रभु के बारे में बताते और उन्हें उनकी सेवकाई करती एमी अफेक्टेड द लाइफ ऑफ काउंटलेस चिल्ड्रन एंड काउंटलेस इंडियंस गिविंग देम अ होप ऑफ अ फ्यूचर ऑन अर्थ एंड आल्सो इन हेवन और जो एमी ने जो है भारतीय बहुत ही अनगिनत भारतीयों लोग और बच्चों को पर असर किया और उन्हें एक आशा और भविष्य दिया पृथ्वी पर जो स्वर्ग का सौर के लिए भी

और वो कई घंटे प्रार्थना में बिताती हुई जानते हुए कि कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर के साथ हर दिन बात करना और ये हम सबके लिए भी याद दिलाने वाली बात है इन और उन्नीस और 1918 में हम देखते हैं कि डोनावर में जो है लड़कों के लिए भी जो हॉस्टल है उसे जोड़ दिया गया मीनवास ऑर्डर कॉल दिस्टर्स ऑफ द कॉमन और और उन्नीस सौ सोलह में हम देखते हैं कि जो एक और उसने सिस्टर uh, जो है uh, नंद जो होते है उनके लिए भी एक कारमाकल uh, जी उन्होंने एक प्रोटेस्टेंट ऑर्डर प्रथा शुरू की उन्होंने नंद की नई प्रथा सो इन फाइनल डेजी फॉल्स वियरली एंड शी रिमेन बेटरे और हम देखते कि उन्नीस सौ बत्तीस की सदी में वो नीचे गिरने के कारण उसे बहुत गहरा चोट हुआ और इसके कारण वो बिस्तरग्रस्त हो गई और उसके अंतिम बीस सालों के लिए एमी वॉज द राइट और एमी लेखिका थी and but then and but she was very sad that she will not be able to help out and you uh, you know do her missions anymore dukhi thi ki wo mission ke mein madad nahi kar seva nahi kar aage but the thing is during these uh, 2 decades she wrote the most books in her life she wrote 16 additional books Or is jo hai 20 varsh mein usne aur bahut sare kitab likhe apne jeevan kal mein uske 16 kitabe aur likhe usne and these still inspire people और आज के दिन दिन भी उस किताब से लोगों को प्रेरणा मिलती है she died in India in 1951 उन्नीस सौ इक्यावन में तिरासी वर्ष की उम्र में कारमाइकल की मृत्यु हो गई भारत में और उसने कहा कि Donavur में उसकी कोई शीला या पत्थर नहीं रखना चाहिए इंस्क्रिप्शन और उन्होंने कहा कि एक छोटा सा एक चिन्ह वहां पर लिखा जाना चाहिए यही शब्द के साथ में अम्मा और जिसका मतलब में माँ की बच्चे वहां पर रखे उसे और आज भी जो नाम था एमी कारमाकल का वो भी आज भी प्रचलित है जीवित है और जब एमी ये डोनावर मिशन का काम कर रही थी उसे बहुत सारा विरोध का सामना करना पड़ा लेड टू प्रोटेक्ट अब्यूज और अंत में उसके न थकते हुए न रुकने वाले जो प्रयास है इसके कारण भारत में जो है नए कानून का को, पै, को, आ, को पैदा करने में सक्षम रहा कि जो भारत के बच्चों की रक्षा की जा सके सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड children to temples. और फिर भारत सरकार ने इसे गैर कानूनी करार दे दिया कि बच्चों का मंदिर में बेचा नहीं जाना चाहिए it still continues to support children. और आज भी जो है डोनावर जो फेलोशिप है वो जो आज भी बच्चों की मदद करता रहता है और उन्हें समर्थन देता है Throughout her life, it saved around थाउजेंड children. उसके जीवन काल में हजारों बच्चों को उसने बचाया now, 500 और अब भी हम लगभग हम देखते पांच सौ लोगों को um, so यहाँ पर जो महिलाए जिन्हें छुड़ाया गया है और उन्हें पूरी आजादी है कि वे जाकर समाज में फिर से अपने आप को शामिल कर सकते काम करने या साथ रह सकते और उन्हें जो है लेस किया जाता है हुनर में तैयार किया जाता है और फिर उन्हें आज़ादी दी जाती है आप बाहर जाने एंड ऑल्सो दिस वर्क दिस ग्रेट वर्क दैट अम्माज़ कंटिन्यूड बाई ह ग्रेट ग्रांड और जो जो अम्मा ने जो महान कार्य की शुरुआत की उसके जो पर पोते पोतिया अभी उस काम को आगे ले जा रहे हैं ग्रो अप इन सच अ ग्रेट इतना बढ़िया रीति से उनका पालन पोषण हुआ कि उन्होंने भी अपने जीवन को पूरी तरह से निछार कर दिया कि अपने जीवन काल में वो यशु मसीह के प्रेम को बांटने में बिताते बिताए गए एंड द वेल्कम दैट वॉज ओपन इन बेल्फास्ट इट्स इट स्टिल्यूज टू वर्क एज एन इवेंजलिकल चर्च और जो वेल्कम uh, हॉल जो बेल्फास्ट में जिसकी शुरुआत हुई थी वहाँ पर वो आज भी एक इवेंजिकल कलिसिया के, के, के रूप में काम कर रहा है इन ऑगस्ट ट्वेंटी वेलकम ओपन द एमी का माइकल सेंटर और हम देखते अगस्त दो हजार सोलह में जो है वेलकम ने जो है एमी कारमाई कारमाइकल केंद्र की शुरुआत की है इट सर्वज इन कीपिंग विद एमीज ओरिजिनल डिजायर टू फॉर एस क्राइस डे इस उद्देश्य की सेवा करते हुए जो एमी की शुरुआती जो इच्छा थी और वो था कि एक व्यक्ति की पूर्ण रूप से देखभाल करना जैसे यीशु मसीह करता है और आज भी उसकी किताब बहुत ही प्रसिद्ध है और उसके पढ़ने वालों को प्रेरणा देती है हा वर्क कंटिन्यू शेप एंड इंस्पायर अदर्स लिविंग अ लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुंस ऑफ ऑन हर फील्ड एंड बिय उसका काम जो है आज भी लोगों को आजीवन को आकार दे रहा है इतरों को प्रेरणा देता रहा है और लोगों के ऊपर ऐसे प्रभाव डालते हुए जो लंबी समय तक टिका रहता है और उनके उनकी जो कार्य में और उसके आगे भी सो यू नो नोइंग माइकल स्टोरी इट हेल्प एस टू सी हाउ गॉड यूज मिनिस्ट्री डायरेक्शन टू प्रिपेयर गुड वर्क ही हैज लाइंड अपर एस और हम केमी माइकल की जो कहानी को देखते हैं उसे देखकर इससे हमें मदद मिलती है कि किस तरह से परमेश्वर जो है सेविकाई में सेविकाइयों की दिशा में बदलाव का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो हमारे हमें तैयार कर सके अच्छे कामों के लिए जो उसने हमारे लिए करने के लिए रखा है इट रिमाइंड अस टू व्यू हार्डशिप एज एन अपर्चुनिटी टू क्लिंक टू द वर्ल्ड रिलाई ऑन प्रेयर एंड ग्रो अप इन आर फेथ और हमें याद दिलाता है कि हमारी कठिन स्थितियों को हमने इस नजरिए से देखना है कि ये हमारे लिए मौका है परमेश्वर के वचन को पकड़ लेने के लिए और वच और प्रार्थना पर आधारित रहने के लिए और अपने विश्वास में बढ़ने के लिए एंड इट टीचेडर आर सेल्स टू क्रिस्टियन सर्विस और ये हमें सिखाता है कि हम मसीही सेवा में अपने आप को समर्पित कर देना है उस समय। और और जिसकी हम अपेक्षा कर रहे थे उसे अलग दिखाई पड़े तो भी। like जिस तरह तरह। से एमी ने किया उसी तरह। you know, when, you know, और जो है बहुत से समस्या को उसने सामना किया उसने और और ऐसा भी समय था कि आलसीपन की लालसा हुई थी उस पर एंड शी वॉज शी हैल्फ पिटी शीज ईगो वॉज हर्ट बिकॉज द मिशन इन जापान वॉज सो इजी बट इन इंडिया इट है और उसे बहुत गहरा जो है अपने भीतरी जो है ईगो को चोट पहुंच गया कि अपना जो गर्व हो सकता है और क्योंकि जापान में मिशन का कार्य करना बहुत ही आसान था लेकिन भारत में बहुत कठिनाइयां हुई शी ओवरकेम ऑल दिस थ्रू प्रेयर और वो प्रार्थना के द्वारा इन सब पर वो विजयी हुई जस्ट इमेजिन समरी फ्रॉम आयरलैंड कमिंग टू तमिलनाडु इन दैट ह्यूमिडिटी thought like oh how much i could have done back at home it would be comfortable for me she was often she had that thought often और ये जो कल्पना करे कि आयरलैंड से आई है भारत में जो तमिलनाडु में आकर्षित है याद कीजिए कि सोचिए कि कितना वहाँ पर पसीने का जो वहाँ पर वातावरण है और कितनी कठिनाइयाँ हो, ये भी सोचती सोचती रहे होगी कि अच्छा होता है मैं बहुत कुछ कर पाती मेरे देश में जहाँ पर सभी सुविधा है आराम से रहकर कई बार सोच आए होंगे लेकिन वो स्थिर बनी रही डटी रही क्योंकि वो परमेश्वर के बुलावे को जानती थी अपने जीवन पर। तो so हमारे लिए जीवन में लागू करने के लिए कुछ बातें हैं इसकी इसकी जीवन से। और उसके जीवन के एक शुरुआती क्षण में इमी ने कहा कि मेरे लिए फिर से कोई भी बात फिर मायने नहीं रखेगी परंतु सिर्फ वही बातें जो अनंत काली उसने कहा कुछ भी नहीं डू यू बिलीव दैट What is your response? क्या आप विश्वास करते हो? आपकी प्रतिक्रिया क्या है जवाब में? Are things more important than what is eternal? क्या आपके लिए अनंतकाली के तुलना में इतने चीजें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं? Let's ponder on that. इसके ऊपर गौर करें. Later. बाद में. As a youngster, और एक होने के नाते परमेश्वर ने जो उसे बहुत ही भूरा रंग का जो आग दिया था चॉकलेटी रंग का जो आग दिया था उसे वो नाकारती थी Instead, she longed for blue eyes, like her mom. और उसे अपने माँ के जिसे नीली आँख चाहिए थी आँखें चाहिए थी बट अगेन विध ब्राउन आई लेटर एबल टू गो इन परंतु और देखते उस आँखों के रंग के कारण वो हिंदू मंदिर में जा सकी थी और बच्चों को छुड़ा पाई थी चिल्ड्रन स्टैंड आउट और लोगों के लिए वो परदेशी नहीं दिखाई पड़ रही थी आँखों के रंग के कारण सो इज दी अनचेंजेबल फीचर ऑफ योर ओन बॉडी क्या आपके शरीर का जो अंग है आपको लगाए पड़ता है कि इसको मैं बदल ही नहीं सकता हूँ पार्ट ऑफ गॉड्स डिजाइन बट यू इट परमेश्वर के रचना का यह भाग है लेकिन आप उसे ठुकरा रहे, रहे हो ना कर रहे हो लेट्स थैंक गॉड इंसटेड परमेश्वर को धन्यवाद दे उसके लिए यू नो एमी डेमोंस्ट्रेटेड डेथ टू सेल्फ बाय प्रेंग फॉर मनी एंड प्रेंग फॉर प्रोविजंस विदाउट टेलिंग एनीवन और जो एमी ने जो है अपने खुद के लिए मृत्यु जो है मरी हुई जो स्थिति अवस्था को प्रदर्शित किया प्रार्थना के द्वारा और किसी के पास पैसों की मदद के लिए न मांगते हुए that you could only ask God to क्या आपके पास कोई पैसे कोई रकम है या कोई सेवकाई के लिए आप कुछ पैसा चाहते हो जिसके लिए आप सिर्फ परमेश्वर से मांग सकते हो He will provide. वो ही उसे पूरा करेगा और प्रबंध करेगा Amy driver to Christ. और एक समय था कि जो बैलगाड़ी चलाने वाले को एमी ने मसी में ले आई

जो अंग्रेजी में जो आए है ये बहुत ही छोटा दिखाई पड़ रहा है और मैं देखती रही थी। एंड दिस दिस इज अ अ रिप्रेजेंटेशन आई थिंक वाज नॉट इंटेंडेड बट इट्स इन मुझे लगता है कि ये पर इसे निर्देशित नहीं किया गया लेकिन मुझे लगता है कि योना तीन सोलह के बारे में निर्देशित कर रहा है और हमें याद दिलाने के लिए है कि और कहता है कि उसने बढ़ते जाना चाहिए और मैंने घटते जाना चाहिए so let the joy of the Lord be our कि परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत बने no और हमारे विरोध में कोई भी रुकावट खड़ी नहीं रहेगी फिर और आशा करती हूँ के द्वारा आपको प्रेरणा मिला होगा मिली होगी और बहुत सारे और भी आना बाकी है so I'm बाई एमी कारमाइकल और एमी कारमाइकल के द्वारा कुछ शब्दों को कहते हुए मैं अंत करना चाहूंगी गिव मे द लव दैट लीड्स द वे मुझे होप नो डिसमेंट्स दैशन दैट विल बर्न लाइक फायर लेट मी नॉट सिंग टू बी अ क्लॉड मेक मी दाय फ्यूर फ्लेम ऑफ गॉड और यहाँ पर एमी ने कहा कि मुझे वो प्रेम दे जिससे कि मुझे मेरी मेरे राह में मुझे मेरी अगवाई कर सके वो विश्वास दे जिससे कि मैं निराश होकर न रुक जाऊँ वो आशा दे जिससे कि निरुत्साहित होकर मैं थक न जाऊँ और मुझमें वो जुनून दे जो अग्नि की तरह जलती रहेगी और मुझे गोले के समान डूबने न दे और मुदे तेरे हाथों में ऐसा ईंधन बना परमेश्वर के लिए एक ज्वाला बना ए टू दैट इसके लिए हमेन